नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। शुरू करते हैं हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का ये सेशन, जिसमें आप सभी मेरे प्यारे साथी मेरे साथ बैठ करके करंट अफेयर के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले 2 मार्च के एग्जाम में संभावित हैं। आइए सेशन को प्रारंभ करते हैं। जल्दी से अपने सेशंस को लाइव कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे साथियों, मेरी द्वारा जो करंट अफेयर की क्लासेज हैं वो आप लोगों के लिए अन अकेडमी पर भी ली जा रही हैं। अगर आपको डिटेल में करंट अफेयर पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चंस का मैटर कंप्लीट करना है, तो आप सेशन परचेज कर लीजिएगा। अंकित 10 रेफरल कोड है, जिससे आपको मेरी जो क्लासेस निकली हैं वो भी मिल जाएंगी। बूस्टर क्लास चल रहा है CGL और CHSL के लिए जनरल साइंस का, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको केवल एक ही रेफरल कोड अंकित 10 लगाने से सारे टेस्ट, मैथ्स और रीजनिंग जितनी भी क्लासेज हैं और बूस्टर क्लासेज हैं जो इस समय चल रही हैं, ऑनगोइंग क्लासेज, वो सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है साथियों, और जो मेरे लेक्चर अभी निकले हैं वो भी मिल जाएंगे। रेफरल कोड अंकित 10, बिल्कुल स्पेस मत दीजिएगा, कैपिटल्स में अंकित 10 लगाइएगा, आपको रेफरल कोड मिल जाएगा। शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने पहला सवाल लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के नेताओं ने संगठन की जयंती मनाने के लिए मुलाकात की, निम्नलिखित में से कौन नाटो का वर्तमान में अध्यक्ष है? तो मेरे प्यारे साथियों, नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी है, नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन एटलांटिक ट्रीटी जो है मेरे साथियों, इस ट्रीटी के अंदर, गुड आफ्टरनून नीतीश, नंदन, रिंकी, नितेश, ऋषा, राहुल, मकराम सिंह चौहान, गुड आफ्टरनून साथियों। चलिए शुरू करते हैं, है ना। हाँ, तो देखिए साथियों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से यहाँ पर, कि ये वाली जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, आपको मालूम होगा कि 1939 से लेकर के 45 के बीच तक वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दो बड़ी शक्तियाँ बनकर उभरी थी, जिनमें से एक का नाम था USA और दूसरी शक्ति का नाम था साथियों USSR, ठीक है ना। इन दोनों शक्तियों के बीच में यहाँ के बाद से लेकर के 1991 तक, यानी 1991 तक साथियों युद्ध चला, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर के नाम से। इस कोल्ड वॉर के नाम से साथियों जब युद्ध चला था, तो यहाँ पर यह हुआ कि यूएस के द्वारा, जो यूएस की विचारधारा है, कैपिटलिस्ट विचारधारा, उसके द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था नाटो। इसी प्रकार से USSR के नाम से एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था वारसा। तो नाटो और वारसा, ये वारसा पैक्ट कहा जाता है, इसके नाम से साथियों दो संगठन बनाए गए थे। तो ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसी के बारे में बात पूछी गई है। 1991 के अंदर कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन साथियों ये कोल्ड वॉर, जिसको आप शीत युद्ध कहते हैं, ये 1991 में खत्म कैसे हुआ? जब USSR का विघटन हुआ 15 देशों के अंदर, तब जाकर के ये साथियों खत्म हुआ था। क्लियर है ना। हाँ, तो साथियों यहां पर आप लोगों के सामने जो आंसर है वो है स्टुअर्ट पीच जो है साथियों, उनको क्या बनाया गया है, इसका चीफ बनाया गया है स्टुअर्ट पीच। तो स्टुअर्ट पीच जो है वो आप लोगों के वर्तमान में इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। तो नेहा और ये आपके आंसर गलत हैं, इस चीज को चलते चलिए, आपके आंसर गलत हैं। सही आंसर आप केवल तुक्के मत मारिएगा, पढ़ करके भी आंसर दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में चीन और रूस के नाम से क्रॉस बॉर्डर, किस नाम से क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन की का उद्घाटन किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, पावर ऑफ साइबेरिया के नाम से चीन और रूस के बीच में एक पाइपलाइन डाली गई है। किसके किसके बीच में? चीन और रूस के बीच में। आपको पता होना चाहिए रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस, जिसको आप नेचुरल गैस कहते हैं, उस प्राकृतिक गैस का भंडारक है। सबसे ज्यादा गैस, नेचुरल गैस दुनिया में किसके पास पाई जाती है? रूस के पास पाई जाती है। सॉरी, तो साथियों हुआ क्या है कि यहां पर सबसे ज्यादा जो कहां पाई जाती है, तो वो यहां पर पाई जाती है, रूस के अंदर पाई जाती है। तो रूस जो है वो अपने यहां से पाइपलाइन के माध्यम से गैस को रूस तक, चीन तक भेज रहा है। साथियों ये साइबेरिया नामक जो स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में साइबेरियन क्रेन,
साइबेरियन क्रेन आती है। आपको याद होना चाहिए साइबेरियन पक्षी है जो उड़कर के भारत आता है, और साइबेरियन कहाँ पर आकर के बैठती है, ये आपके घना राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, केवलादेव घाना जिसे आप कहते हैं, वहां तक मेरे प्यारे साथियों ये उड़ करके आती है, ठीक है ना, केवलादेव तक आती है। साथियों एक बात और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, और वो क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि इन दिनों राजस्थान एक चर्चा में और था, और वो किसके लिए था, कि जो प्रजाति विश्व से उड़ करके आती हैं उनके अंदर एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था एवियन बोटुलिसिस, है ना, एवियन बोटुलिसिस नाम से एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से एवियन बोटुलिनम ये बीमारी थी जिसकी वजह से प्रवासी पक्षियों की सांभर झील के अंदर मौत हो गई थी। तो केवलादेव कहाँ है, राजस्थान में है, और राजस्थान के अंदर यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ये यहाँ का रामसर साइट भी है, क्लियर साथियों। तो पाइवर ऑफ साइबेरिया के नाम से है, ये चीज़ आप मालूम कर लेना। 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील है और 30 साल तक के लिए यहाँ पर तेल सप्लाई किया जाएगा, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है बेटा। चलिए, केरल में एक प्रसिद्ध मंदिर के अंदर एक किसान ने प्रसिद्ध गुरु वयूर मंदिर के हाथी का चित्रण करने के लिए टैनबो आर्ट का उपयोग किया है। इस आर्ट फॉर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो मेरे प्यारे साथियों इस आर्ट फॉर्म की उत्पत्ति हुई थी जापान में। इस फॉर्म के अंदर क्या होता है, दो बातें आपको यहाँ जानने की हैं। एक बात तो ये है साथियों, ये आर्ट फॉर्म का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि टैनबो आर्ट फॉर्म कहाँ की है। दूसरा बात क्या पूछा जा सकता है, ये मंदिर गुरु वयूर मंदिर जो केरल के अंदर स्थित है, इसमें हुआ क्या है, हाथी का चित्र बनाया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात किस प्रकार से है साथियों, जैसे ये एक खेत है, इस पूरे खेत के अंदर बहुत सारी फसल लगी हुई है, मतलब ना इस तरह से फसल उगी हुई है पूरे खेत के अंदर, तो होता क्या है साथियों कि ये खेत के अंदर जो फसल उगी हुई है ये फसल इस प्रकार से काटी गई कि यहाँ पर हाथी का चित्र बन के आ गया, मतलब पूरा की पूरा जो हाथी का चित्र है वो यहाँ पर उभर के आ गया। यानी आप हेलीकॉप्टर में बैठ के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि खेत जो है वो एक कैनवास है और उस कैनवास के अंदर किसी ने हाथी का चित्र बनाया है। तो ये जो आर्ट है साथियों, ये टैनबो आर्ट कहाँ की है, जापान की है, जिसका चित्रण जो है वो गुरु वयूर के अंदर किया गया है। दूर से देखने पर बिल्कुल 3D आर्ट ये दिखाई देती है, क्लियर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। तो साथियों हाँ, तो ये बिल्कुल बताया था बेटा, वहीं से आपके लिए प्रीवियस कुछ करंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, है ना। चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है चेन्नई के अंदर। साथियों इसका काम क्या होगा, कंपनी लॉ का मतलब क्या होता है कि जिनसे कंपनियां आपस में अपने मसलों को डिस्कस करके सॉल्व करती हैं, उनके बीच में अगर किसी भी प्रकार का कोई ऐसी बात है जो कि उनके बीच में क्लियर नहीं हुई है, तो उनका सॉल्यूशन यहां पर किया जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चीज है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज सिंह रूपन को किस जगह का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आज सुबह की ही क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में ये पढ़ाया है, याद करिए, मैंने आपको बताया था कि इस देश को हाल ही के अंदर ग्रे लिस्ट में डाला गया है, मॉर्निंग की क्लास में होपफुली आप लोगों को याद हो, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर इसे डाला गया है, और ये साथियों मॉरिशस के अंदर है, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है इनको मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो इस चीज को आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पृथ्वीराज सिंह रूपन को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आती है। नेक्स्ट चीज है साथियों, मॉरिशस गणराज्य के अंदर नेशनल असेंबली सर्वसम्मति से पृथ्वीराज सिंह रूपन को द्वीप राष्ट्र के रूप में चुना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मॉरिशस याद कर लेना ग्रे लिस्ट में डाला है, पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट में ही उसको वापस रहने दिया। मैंने आपको कहा था कि ग्रे लिस्ट में डालने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जो है इनको दिमाग में रखा जाता है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो पर्टिकुलर सीन मैंने आपको बताया था, मेरे को आपको ये याद होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये केस बहुत हिट हुआ था, इस बात को ध्यान में रखना, आप दिमाग में रखना कि मनी लॉन्ड्रिंग के कारण ही आपका FATF में ग्रे लिस्ट में मॉरिशस को डाला गया है, क्योंकि इंडिया में आने वाले जो FII हैं उनमें सर्वाधिक US से आते हैं, और सेकंड नंबर पर जो FII या FPI जिन्हें कहते हैं वो ये मॉरिशस से आते हैं। साथियों हाल ही में भास्कर मेनन का निधन हो गया, ये कौन थे साथियों, ये एक पत्रकार थे, इनको आप पत्रकार के रूप में याद रखना, नामी पत्रकार थे, तो इसको इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। साथियों वॉलमार्ट इंडिया ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ
समझौता किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, वॉलमार्ट इंडिया, वॉलमार्ट जो है वो एक कंपनी है, बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से आप लोगों ने अब तक मार्केट में बिग बाजार वगैरह देखे होंगे ना, इजी डे, बिग बाजार जो सामान बेचते हैं, ऐसे ही वॉलमार्ट अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मार्केट में बहुत बड़े स्टोर्स के लिए पहचानी जाती है। भारत में इसने अपना व्यापार करने के लिए, आपको मालूम होगा कि इन्होंने फ्लिपकार्ट को परचेज कर लिया है, तो फ्लिपकार्ट पूरी कंपनी जो है अब वॉलमार्ट के अधीन है, यानी कि मैक्सिमम शेयर होल्डर जो है फ्लिपकार्ट का वो अब वॉलमार्ट है। साथियों, इन्होंने HDFC के साथ क्रेडिट कार्ड किया। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कुछ पैसे क्रेडिट पर देना। कुछ पैसे क्रेडिट पर देना मतलब उधार देना, बिना ब्याज के कुछ समय के लिए उधार देना, ताकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो सबका मुनाफा है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों के सामने आ गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 8वीं भारतीय चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 शुरू किया गया है। साथियों, याद होना चाहिए हैंड इन हैंड जो अभ्यास है ये भारत और चीन के बीच किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। साथियों, ये आयोजित किया गया है मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है उमरोई। इसका नाम है साथियों उमरोई। उमरोई नामक स्थान पर यह हैंड इन हैंड नाम से आयोजित किया गया था। एक बात और मैं आपको बता दूं, मेघालय का मतलब है मेघों का आलय, यानी निवास स्थान। मेघों का मतलब क्लाउड्स का, और जहां क्लाउड ज्यादा होंगे वहां बारिश ज्यादा होगी, इसलिए यहीं पर वो स्थान है जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होता है, और उसका नाम है मौसिनराम है इस जगह का नाम। ठीक है भाई, मौसिनराम, चेरापूंजी सुना करते थे, उसी के बगल में ये स्थान है मौसिनराम। यहाँ की तीन प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनका नाम आपको याद होगा, गारो, खासी और जयंतिया। ये यहाँ की तीन प्रमुख पहाड़ियां हैं जिन्हें आप याद कर लीजिएगा, प्रमुख रूप से पहाड़ियां हैं। ठीक है ना साथियों, तो ये आपके रूप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी ने कौन सी बार पुरुषों का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। साथियों, लियोनेल मेसी ये है तो कहाँ के, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, लेकिन खेलते कहाँ से हैं, स्पेन से खेलते हैं। स्पेन में इनका क्लब है जिसका नाम है बार्सिलोना क्लब। ये बार्सिलोना क्लब के खिलाड़ी हैं और स्पेन के अंदर खेलते हैं। बैलन डी ओर पुरस्कार पुरुषों को दिया जाने वाला श्रेष्ठ पुरस्कार क्रिकेट के अंदर, बहुत फेमस खेल पुरस्कार है, इसको दिया जाता है। तो आप लोगों को ये याद होगा, छठी बार साथियों ये लगातार जो है ये पुरस्कार के विजेता बने हैं। क्लियर, तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल। सुमन, प्रियंका, संगीत, वीना, सुमित, शशि, अवधेश, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बहुत सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली लागू करेगा। साथियों, क्या प्रणाली लागू करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग की जाएगी कि ये पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। सवाल में घुमा करके एक पॉलिटी का सवाल पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है कि बताइएगा कि चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, चुनाव आयोग की स्थापना 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, जिसे आप मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। साथियों, चुनाव आयोग को हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंदर पढ़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में वर्तमान में जो वो हैं, वो सुनील अरोड़ा जो हैं, वो भारत के वर्तमान में CEC हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एक तथ्य तो आपको अतिरिक्त रूप से ये पता होना चाहिए। दूसरा तथ्य ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो व्यक्ति और भी हैं, एक लवासा और एक चंद्रा, जो यहाँ पर CEC के अतिरिक्त हैं। पहले भारत के चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन था और वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं। साथियों, 10वें चुनाव आयुक्त का नाम बहुत फेमस है, जिनका नाम TN सेशन है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हमने करंट में उनका नाम भी पढ़ा है। TN सेशन के बारे में कहा जाता है कि वो ये कहा करते थे कि मैं पॉलिटिशियंस का नाश्ता करता हूं। ये बहुत उनकी प्रचलित पंक्ति थी जिसका आपको याद होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन सब सवालों को आप बहुत अच्छे से करते जाइएगा। वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतदाता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, ये मैंने आपको एडिशनल फैक्ट दे दिया। अशोक लवासा, सुशील चंद्रा, प्राची नायक, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, सऊदी अरब ने G20 की अध्यक्षता ली है। 2019 G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? मैंने कल भी ये बताया था, होपफुली आज भी आपको ये याद आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, जापान के शहर ओसाका में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था?
ओसाका में आयोजित किया गया था। इससे पहले वाला कहां आयोजित किया गया था? ओसाका जापान में है। इससे पहले अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स करके जो जगह है ना, वहां पर आयोजित किया गया था अर्जेंटीना में, राष्ट्र अध्यक्षों का, है ना, अर्जेंटीना के अंदर। अच्छा, एक बात और याद कर लो, G20 के बारे में मैंने आपको बता रखा है 99 में इसकी स्थापना हुई थी, जब इसमें वित्त मंत्री और गवर्नर जाया करते थे, और 2008 के अंदर इसमें राष्ट्र अध्यक्ष जाने लगे थे। इसका अगला सम्मेलन सऊदी अरब में है 2020 के अंदर, जिसके जगह का नाम रियाद है जहां पर होगा। उसके बाद 2021 में इटली में है, और 2022 में इंडिया के अंदर इसका सम्मेलन संपन्न होगा। G20 दुनिया की 85% GDP को होल्ड करने वाले देशों का समूह है, जिसमें 19 तो देश हैं, भारत भी इनमें से एक है, और प्लस में एक यूरोपियन यूनियन इसके अंदर शामिल है। इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, ये एक फोरम है, और इसकी अध्यक्षता समय समय पर बदलती रहती है। राष्ट्र जो है वो इसकी अध्यक्षता करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य में ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, मधु के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। मधु नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार। आपको याद होगी साथियों, हाल ही में यहां पर बिम्सटेक देशों की बैठक हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। आपको करंट की ही बातें बता रहा हूं ताकि आप याद कर सकें। दूसरा साथियों, यहां पर बाली महोत्सव मनाया जाता है। तीसरा साथियों, यहां पर धनु यात्रा निकाली जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, कोणार्क सन फेस्टिवल। और दूसरा, जगन्नाथ पुरी का जो यहां पर रथ यात्रा है वो बहुत ही फेमस है, करंट के अंदर उसको हमेशा मनाया जाता है, ठीक है ना। ये दो तीन चीजें आप और याद रख लीजिएगा। यहीं के सुदर्शन पटनायक हैं, जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप लोग याद करके चल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका मधु ऐप हो गया। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से किसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में बनाया गया है ना। पेटा पर्सन ऑफ द जो है साथियों, पेटा ये संस्था है जो कि जीवों की सुरक्षा करने के लिए कार्य करती है, यानी कि जो जंगली जीव हैं उनके सुरक्षा करने के लिए एक संगठन है, ताकि कोई उनकी हत्या ना करे, उनको बचाने के लिए, है ना। तो उनका एक संगठन है जिसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है इस बार 2019 में जिसको बनाया, उनका नाम है जैकिन फिनिक्स। ये जैकिन फिनिक्स जो है, ये जोकर मूवी के अंदर जोकर बने हैं। अगर आपने अभी जो रिसेंटली 2019 में जोकर मूवी आई थी, अगर आपने वो देखी हो, तो उसके ये जैकिन फिनिक्स जो है ये वो बने हैं। भारत के पहले कॉरपोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को क्या नाम दिया गया है? कॉरपोरेट बॉन्ड, जिस प्रकार से आप लोग शेयर बाजार जानते हैं, उसी प्रकार से साथियों कॉरपोरेट बॉन्ड भी होता है। जैसे शेयर बाजार के अंदर ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, ऐसे ही कॉरपोरेट बॉन्ड के अंदर कॉरपोरेट बॉन्ड की शेयरिंग होती है। कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होता है? कंपनियां कई बार अपने नाम से बॉन्ड जारी कर देती हैं, जिसका कि वैल्यू मार्केट रेट के अंदर डिसाइड किया जाता है। उनकी भी ट्रेडिंग अगर करने लग दी जाए, यानी कि एक कंपनी का एक्स बॉन्ड है जिसकी बोली लग रही है 10 कंपनियों के बीच में कि हम इस बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं, उसे कॉरपोरेट बॉन्डिंग कहते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड जो है साथियों, उसकी ट्रेडिंग कहते हैं बेसिकली इसे। ये जो ट्रेडिंग है, ये भारत बॉन्ड ETF के नाम से पहचाना जाएगा। करंट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको होपफुली आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। शिवांगी भारतीय नौसेना के लिए पहली महिला पायलट बनी है, वह किस राज्य से हैं? तो ये याद रखिएगा, भारतीय नौसेना की पहली पायलट बनी है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नौसेना में पायलट का मतलब समझ रहे हैं, नौसेना वो जो कि नेवल है, यानी कि समुद्र में चलती है, लेकिन पायलट वो जो हवा में उड़ते हैं, मतलब नौसेना वालों के पास भी हवाई जहाज होते हैं, उनके पास भी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो शिवानी नौसेना के अंदर पायलट बनी है, और ये किस राज्य से हैं? तो साथियों, ये बिहार राज्य की रहने वाली हैं। साथियों, बिहार राज्य के बारे में खास रूप से ये चीज़ जान लीजिएगा कि यहाँ की मधुबनी जो पेंटिंग है, ये बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो उम्मीद है आप सभी मेरे प्यारे साथियों को, है ना, तो ये सभी साथियों को मेरा आज का सेशन बड़ा ही अच्छा लगा होगा। बहुत सारी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन, इस पूरे सीरीज के अंदर पढ़े हैं। आप सभी का दिन बहुत अच्छा बीते। हमारी सुबह 7 से 8 वाली जो क्लास है, ये मंडे से रोजाना 6 से 7 होगी। तो आप सभी लोग दुरुस्त होकर के पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप सुबह साथियों को 6 से 7 अवश्य पढ़ना है। और याद रखिएगा, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप लोग SSC का एग्जाम भी देने जा रहे हों, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ पढ़ें, उससे बेहतर होगा कि आप अपडेट रहें। अपडेट से रिविजन होगा, और मेरा मानना है कि आप बहुत दुरुस्त होकर के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जाएंगे। एकदम फुल ऊर्जा के साथ एग्जाम में पार्टिसिपेट करिएगा साथियों। अन्य जो क्लासेस हैं मेरी, वो यथावत चलती रहेंगी, 12 से 12:30 GS फॉर रेलवे, स्टैटिक GK फॉर SSC, GS फॉर पटवार एंड पुलिस, ये जो है ये सब 2.0 पर चल रही हैं। आप सभी का दिन मंगल में हो साथियों। ये मेरा ग्रुप है GKY अंकित अवस्थी सर, इस पर जुड़ जाइएगा, आपको कंटेंट प्राप्त होते रहेंगे। चैनल है मेरा अंकित अवस्थी सर, इस पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। अपना ध्यान
ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी को अंत समय में भी करंट अफेयर जल्दी से रिवाइज करके जाना है, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिस पर कि अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस चल रही हैं। पूरा की पूरा आपको जो मेरी क्लासेस निकली हैं वो सेशन भी मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगी, इन प्लस ये जो क्वेश्चंस हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस का पिटारा आपको मिल जाएगा, प्लस जनरल साइंस का बूस्टर है जो कि CHSL के लिए भी उपयोगी है और CGL के लिए भी। तो आप सभी चाहें तो उस क्लास के अंदर भी बैठ सकते हैं, आपका सम्मान होगा। धन्यवाद।